हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ भारतीय कृषि। इस भारतीय कृषि से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे, और इस लेक्चर में आप लोगों को 6 सेट मिलेंगे, जैसा कि हम लोग जैसे कि श्रृंखला करते आ रहे हैं लास्ट वीडियोस में। तो प्रत्येक सेट में 20-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग जो है मन लगा के देखिएगा, और कुछ इजी क्वेश्चन हैं, कुछ नोट डाउन करने वाले क्वेश्चन हैं, और आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम के अलावा भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें ये जो है बेनिफिट होंगे, और आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, वीडियोज़ की जो लेंथ होगी वो 30 से 35 मिनट के अंदर ही होगी। 30 से 35 मिनट के अंदर विद एक्सप्लेनेशन मैं सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा। और आप लोग वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है क्वेश्चन और ये वीडियोस पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे जो भी मौसम में जो होता है, तो वो मौसम का कौन सा, यानी कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कृषि को दुष्प्रभावित करता है। तो जो होता है ये वृष्टि जो होता है, वृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, चाहे फिर ओलावृष्टि हो चाहे कौन भी वृष्टि हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो लास्ट में जो होता है वो वृष्टि जो है सबसे ज़्यादा कृषि को दुष्प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है। तो जितने गन्ना है, कपास है, जूट है, ये सब के सब नगदी फसल हैं, और ये जो गेहूं है ये नगदी फसल नहीं है। फिर चाहे गेहूं हो फिर चाहे चावल हो, ये सब नगदी फसल में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल, क्या कह रहा है, रबी की फसल नहीं है। तो गेहूं वगैरह क्या है, ये सब रबी की फसल है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो जूट जो होगा, ये सब नगदी फसलें हैं, ये रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो आप लोग जानते भी होंगे, जो पश्चिम बंगाल के जो लोग होते हैं वो चावल खाते हैं, रोटी बहुत कम मात्रा में खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम खाद्य फसल क्या है, प्रमुख खाद्य फसल। तो गेहूँ और चावल दोनों हैं, लेकिन जब उनमें से किसी एक को चूज़ करना होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, चावल जो है सबसे ज़्यादा यानी सबसे प्रमुख जो है खाद्य फसल है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं, भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जो एक कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा होती है, जो भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम जो है चावल का कटोरा बोलते हैं, बाउल ऑफ राइस या राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है यानी कि सबसे ज़्यादा, तो 7वें का जो क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक, तो खाद्यान्न उत्पादक में भी वही है, कौन सा है, यूपी है, कौन सा है, यूपी। क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहा है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी जो है फसल बोई जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी बोई जाती है, धान बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, तो कौन सी है, चावल, जो चावल है सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन किस मामले में सर्वाधिक सफल रही, तो किस मामले में, गेहूं और चावल में जो है ये सफल रही। क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति के फलस्वरूप कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया, जो भी हरित क्रांति हुई तो जो उसमें से जो भी चीज़ें रीच की गई, गेहूं ज़्यादा पैदावार हुई, चावल सबसे ज़्यादा पैदावार हुई, तो किसकी कमी हो गई, तो किसकी कमी हो गई, जो मोटा अनाज था वो क्या है, उसकी कमी हो गई।
जैसे है बाजरा है, ये इस तरह की सब चीज़ें जो हैं वो मोटे अनाज में आती हैं। किस राज्य को, जौ हो गया, बाजरा हो गया, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहते हैं? तो किसको धान्य भंडार कहते हैं यहाँ पे? तो हो जाएगा पंजाब। जो पंजाब है उसको धन का भंडार बोलते हैं। धान्य का मतलब जो भी ये सब गेहूं है ये वगैरह जो है इन सब का जो है पंजाब क्या है, धान्य भंडार है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति का अर्थ क्या है? केवल कृषक क्रांति है? नहीं। सामाजिक वानिकी है? नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कृषि के आधुनिक यानी जो है उसके तहत जो हरित क्रांति हुई उसमें केवल उपज, उपज कैसे बढ़ेगी? जब तक हमारे पास आधुनिक विधियाँ नहीं होगी, नई नई टेक्निक्स नहीं होंगे, नए नए इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, तब तक हमारी हरित क्रांति का जो पर्पज होगा वो पूरा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में हरित क्रांति, भारत में अगर विश्व की बात कही जाए तो नॉर्मन जो है नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, लेकिन जब भारत की बात कही जाएगी तो भारत में कौन होंगे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो होंगे वो भारत में हरित क्रांति के जनक होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात जो है मूंगफली उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक, तो सोयाबीन उत्पादक कौन सा हो जाएगा? MP जो है सोयाबीन उत्पादक राज्य हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, काजू का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो काजू का उत्पादक कहाँ पे होता है? केरला में। केरला में मसाले भी होते हैं, लेकिन जब मसाले की बात सबसे अधिक उत्पादक में आएगी तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। लेकिन गुजरात के अगर वैरायटी की यानी विविधता के बारे में आएगा मसालों की, तो मसालों की विविधता जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर? केरला में है। और गर्म मसालों के लिए भी फेमस है केरला, काजू के लिए भी क्या है? फेमस है केरला। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन राज्य कौन सा? दो बार हो गया है तो यहाँ पे एक ही होना चाहिए, यानी दाल का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है दाल का उत्पादक राज्य है और सोयाबीन के लिए भी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 20 और पहले सेट का लास्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में, अगर मैं चाहूँ तो स्लो स्लो करके, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस हमको क्या करना है पॉइंट टू पॉइंट अपने दिमाग में सेट करते जाना है, एरिया सेट करते जाना है कि MP क्या है, सेंटर पे है, आंध्रा कहाँ पे है, आंध्रा जो है पूरब में एकदम कॉर्नर पे नीचे पे है यानी दक्षिण पूर्व में है, केरला कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम में है। इस तरीके से हमको जो मैप की जो है एक डिज़ाइन है वो हमारे दिमाग में खटाखट खटाखट, यानी कि गुजरात कहाँ पश्चिम पे है, असम कहाँ पूर्वी में है, इस तरीके से सारी चीज़ें हमको जो है दिमाग में सेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए फटाफट क्वेश्चन, इसलिए मैं एक बड़े लार्ज अमाउंट में क्वेश्चनों को लेकर के आया हुआ हूँ, नहीं तो यहीं पर 20 क्वेश्चन पर ये ख़त्म हो जाता, लेकिन नहीं मैं और कराना चाह रहा हूँ कि जिससे कि एक क्वेश्चनों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सबसे अधिक मात्रा में केसर, तो बहुत जो है इसको रट लीजिए, जम्मू कश्मीर जो है केसर के लिए फेमस है। सेट नंबर दो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में रेशम का उत्पादक कौन है? तो रेशम का उत्पादक करने वाला कौन सा है? कर्नाटका है। कर्नाटक क्या है? रेशम के लिए प्रसिद्ध है। फल उत्पादन में कौन सा राज्य यानी कि विश्व में यानी स्थान रखता है? फल उत्पादक में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो फ्रूट प्रोडक्शन में कौन सा है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3, सब्जी उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है भारत का? तो सब्जी उत्पादन में कितना है? सब्जी उत्पादन में भी दूसरा है और फल उत्पादन में भी दूसरा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, नारियल उत्पादन में, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में क्या है, फ्रूट में भी सब्जी में भी दूसरा स्थान है, अब देखते हैं नारियल में क्या है। तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, कौन सा है? तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है? तृतीय। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जूट उत्पादन में प्रमुख देश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में प्रमुख देश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वृहत यानी बहुत बड़े अमाउंट में जूट की खेती किस नदी घाटी में होती है? तो किस नदी घाटी में होती है? हुगली, क्योंकि हुगली कहाँ पे है? हुगली कहाँ पे है? हुगली वेस्ट बंगाल में है।
और सारी ये जो नदियाँ हैं जो है वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, दामोदर है लेकिन वो जो है हुगली नदी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पे होती है? जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग का जो एरिया आसाम में है वहाँ पे क्या है सर्वोत्तम यानी उच्च कोटि की चाय होती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में है? तो कहाँ पे? असम में, राज्य असम हो जाएगा। भारत में क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है? तो कहाँ पे होती है? एमपी में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादक और गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्राकृतिक रबड़, ऐसे तो कई तरीके से आती है रबड़ लेकिन जो प्राकृतिक रबड़ का जो है उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? जो केरला है वहाँ पे क्या है काजू के साथ साथ जो है रबड़ उत्पादन में भी आगे है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक रबड़ के लिए, तो प्राकृतिक रबड़ के लिए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा है? चौथा स्थान है। ओके, और ऐसे अगर देखा जाए तो जो ब्राजील वगैरह है वो क्या है प्राकृतिक रबड़ के लिए नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है भारत लंबे रेशे के कपास का आयात कहाँ से करता है? आयात कहाँ से करता है? तो आयात ये करता है इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। नीली क्रांति, ये भी पता होगी जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन नहीं, मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल, इसलिए वहाँ पे मछलियाँ खाई जाती, जब खाई जाएंगी तो वहाँ पे पैदावार भी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारत में कौन सा दूध उत्पादन में जो है विश्व में तो नंबर 1 पर है ही, लेकिन भारत में कौन से जो है नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? तो यूपी जो है दूध उत्पादन में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब से रिलेटेड है? तो कब से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है कार्यक्रम 1970 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, और इस सेकेंड सेट का लास्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का किससे संबंध है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। सेट नंबर 3, ऑपरेशन फ्लड 1970 में तो हुआ था लेकिन ये ऑपरेशन फ्लड है किससे संबंधित? ये क्या है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी दूध की पैदावार यानी दूध के उत्पादन में 1970 में यानी कि जोर दिया गया था कि दूध का उत्पादन कैसे बढ़े, तो ये जो है ऑपरेशन फ्लड था और ऑपरेशन जो फ्लड है वो किससे संबंधित है? वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है कौन है? डॉक्टर वी कुरियन है, और हरित क्रांति के कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो ये हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, और ये जो है पीली क्रांति है, ये सब के सब कृषि से संबंधित है लेकिन ये कृष्ण क्रांति जो है ये जो है कृषि से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है गुलाबी क्रांति क्या है? तो गुलाबी क्रांति मछली से तो रिलेटेड है ही लेकिन कौन सी है? झींगा मछली से रिलेटेड है। तो गुलाबी जो क्रांति है किससे है? झींगा उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, गोल क्रांति क्या है? तो जो गोल क्रांति है वो क्या है? आलू जैसे गोल होती है वैसे गोल क्रांति, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा भारतीय राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो कपास उत्पादन में कौन है? गुजरात जो है कपास उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या होगा? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक नहीं माना जाता है? चाय का उत्पादक वैसे तो हल्की हल्की होती रहती है लेकिन इस छत्तीसगढ़, क्योंकि ये सब के सब छत्तीसगढ़ में जो होगा वो चाय
का उत्पादन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफी उत्पादन करने वाला जो राज्य होगा वो कौन सा होगा, कर्नाटका होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल इनमें से नहीं है। कौन सी नहीं है, ये जो गेहूं है ये खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं क्या है, रबी की फसल है। ओके, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूँ की खेती नहीं करता है? तो जो गेहूं की खेती तमिलनाडु नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो गुजरात है वो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसको भी हम क्वेश्चन को पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो है मूंगफली का है उत्पादन है, नमक का तो होता ही, दांडी यात्रा वहीं से हुई थी, और दुग्ध उत्पादन में भी सबसे बड़ा उत्पादक तो नहीं है लेकिन उत्पादक है। लेकिन यहाँ पे ये तंबाकू नहीं, क्योंकि तंबाकू आंध्र प्रदेश में होती, तो इसलिए जो है ये जो है यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है? तो किसका जो है, चावल का जो है उत्पादक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस फसल के लिए पानी की अधिक यानी कि अधिकता जो होती है, अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव, यानी पानी तो उसे चाहिए लेकिन जो है वो जमना नहीं चाहिए। तो चाय के लिए पानी तो बहुत मात्रा में चाहिए लेकिन वहाँ पे स्टोर नहीं होना चाहिए, आए पानी और उतर के चला जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल इनमें से सरसों जो है वो खरीफ की फसल नहीं, ये रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ की जो फसल है वो कब काटी जाती है, और जैसे खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर दिसंबर में, तभी जो है रबी यानी गेहूं वगैरह बोया जाता है, सरसों वगैरह बोई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जो नासिक है महाराष्ट्र में, वो अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदावार पैदा नहीं होती है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जो रबड़ होगा वो जो है, रबड़ केरला में पाई जाती है प्राकृतिक, ये महाराष्ट्र में नहीं पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, रेशे यानी रेशा वाली जो फसलें हैं कौन कौन सी नहीं हैं? तो रेशा वाली फसलें कौन कौन सी सॉरी हैं कह रहा कौन कौन सी हैं तो यहाँ पे कपास सन जूट जो है, अब यहाँ पे तंबाकू है नहीं होगा, यहाँ पे अलसी गन्ना है नहीं होगा, यहाँ पे जो है मक्का है नहीं होगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखा हम लोगों ने कितनी स्पीड से किया है, और बहुत स्पीड से नहीं किया, कानों में सुनाई दे रहा, दिमाग में समझ में आ रहा, इसलिए जो है फटाफट होते रहेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि झूम है, झूम नृत्य नहीं है, झूम क्या है, कृषि का एक तरीका है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से किस जिले में कॉफ़ी का अत्यधिक उत्पादन होता है, किसका, कॉफ़ी का, तो जो यहाँ पे कुर्ग है कर्नाटका में, कुर्ग है वहाँ पे, कुर्ग एक जिला है, वहाँ पे कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? जो कर्नाटक है वो क्या है, जितनी भी रेशम होती पूरे भारत में उसका आधा भाग जो है कर्नाटका उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो जो है यहाँ पे 50% जो लोग हैं वो क्या है, कृषि पर, 50% जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित हैं, 50+ हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 52। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये तो पता ही है आप लोगों को कहाँ पे होती है, तो जो जूट है वो कहाँ पे होती है, बंगाल और उसके डेल्टाई क्षेत्रों में जो है जूट पैदावार होती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ
पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है, कहाँ पे? नीलगिरी में। तो किसकी खेती होगी ये भी आपको पता है, ये कहाँ पे होती है? यहाँ पे कॉफ़ी की पैदावार होती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है? जो चाय का उत्पादन होगा वो कहाँ पे? दक्षिण भारत की अगर बात कही जाएगी, वैसे पूर्वी भारत में अगर बात कही जाएगी जो है उत्तर पूर्वी भाग में, तो आसाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आसाम से अब दक्षिण की बात कही जा रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो तमिलनाडु है वहाँ पर जो है चाय की, यानी कि चाय की पैदावार होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक तंबाकू, तो अभी हमने एक बार शायद नाम लिया भी है, जो आंध्रा और जो गुजरात है वो क्या है? वैसे अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश जो है क्या है, तंबाकू के लिए फेमस है, और गुजरात में भी जो है कुछ उसकी मात्रा उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहा है कि भारत में मसालों का सर्वाधिक, तो मसालों का सर्वाधिक की जब बात आएगी तो क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अगर उसकी विविधता के बारे में आएगी वैरायटी के, तो केरला हो जाएगा, और केरला क्या है, गरम मसालों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो सबसे अधिक भूमि कहाँ पे? यूपी में जो है गन्ने की भूमि है, यानी गन्ने की पैदावार के लिए उचित भूमि है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दलहन संस्थान जो है शोध, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में है। अब यहाँ पे सूचियों को मिलाना है, क्वेश्चन नंबर 12 में सूचियों को मिलाना है, तो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, पहली सूची में जो है सूची नंबर 1 लिखी हुई है, और ये सूची नंबर और 2 लिखी हुई है, तो मिलाना है। सबसे पहले क्या लिखा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे रिलेटेड है, वो हरित क्रांति से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, बी लिखा है दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन किससे हो जाएगा, श्वेत क्रांति, यानी कि A1 और B3, तो A1 B3 ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और इसकी मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 14, मक्के की खेती कहाँ पे की, यानी कि मक्के की खेती जो है किस मौसम में की जाती है और किस प्रकार की जो है खेती होती है? तो जो मक्के की खेती है, जो मक्का होता है और खरीफ की फसल में आता है, यानी खरीफ के मौसम में, और खरीफ का मतलब इधर जो है मई जून में जो है इसकी बुआई की जाती है, उधर जो है काट ली जाती है, किधर, वहीं नवंबर दिसंबर में। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि केसर, वही चीज़, तो केसर कहाँ पे, कश्मीर में। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 में, क्या लिखा हुआ 16 में, कह रहा है कि दो स्टेटमेंट, एक उसका स्टेटमेंट दिया है और उसका एक रीजन दिया हुआ है। भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, यानी कि बेचता है, तो बेचता है। आगे पढ़ते हैं कथन में, भारत में चाय की घरेलू खपत जो है खपत बहुत कम है, यानी कि बहुत कम चाय पी जाती है। घरेलू खपत का मतलब है कि यहाँ के लोग जो है चाय कम पीते हैं, तो ये सरासर गलत है, ये सही है। तो ये यानी कि उत्पादन तो करता है और निर्यात भी करता है, लेकिन ये गलत है, आर रीजन गलत है, ये हो जाएगा इसका सी हो जाएगा ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी, खपत का मतलब यहाँ पे चाय कम पी जाती है, ऐसा नहीं चाय बहुत पी जाती है, सुबह उठते ही चाय पी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के लिए, तो बार बार देख चुके हैं, तो कौन सा हो जाएगा, MP हो जाएगा सोयाबीन के लिए। इसीलिए जो है रिपीट करते हैं तो इंटरेस्ट और बढ़ता है, जिससे कि हाँ ये हो जाएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जरा देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तंबाकू आंध्र प्रदेश से सुमेलित है, केला महाराष्ट्र से, तो केला महाराष्ट्र से नहीं होगा, और आलू उत्तर प्रदेश सही है, नारियल केरला, ये गलत हो जाएगा, ये महाराष्ट्र से नहीं होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पिछले दशकों में यानी लास्ट के जो दशक हुए, भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो उपयुक्त कारण को जरा हम पढ़ते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, जुताई के अधीन, तो गलत है। फिर कह रहा है कि ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, यह भी गलत है।
यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि ये जो है क्रांति से, हरित क्रांति से रिलेटेड है। जो भी पिछले के दस जो दशक थे उनमें जो भी उन्नत किस्म के बीज, उनकी जो है अलग अलग टेक्निक्स और नई नई जो है टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया, ये यहाँ पे कथन एग्जैक्ट सही हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है, तो 20वें का हो जाएगा यहाँ पे, बेंगलुरु जो है वहाँ पे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है। यानी कि उष्ण, यानी कि उपोष्ण का मतलब होता है यानी गर्म स्थल होने के बावजूद भी वहाँ पे बागवानी संस्थान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, सेट नंबर 5 का। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का, कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु, जो कृषि यानी कि जो कृषि सरकारी कृषि मंत्रालय के वर्गीकरण जो संस्थान है, कृषि की जलवायु को कितने क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, यानी कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 127। इसको आप लोग नोट कर लें, ओके, ये नोट कर लें। यहाँ पर भी देख कह रहा है गलत युग्म को पहचानना है, तो जो गलत युग्म यहाँ पे जो हो जाएगा वो मूंगफली बिहार में नहीं होगा, मूंगफली गुजरात में होगा, अभी हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, तो उत्तर प्रदेश की जब प्रमुख फसल की बात आएगी तो कौन सा हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, ओके। भारत में कृषि मुख्य कृषि उत्पादक आयात क्या है, यानी कि जो यहाँ पे जो है इम्पोर्ट किस चीज़ को किया जाता है, तो चौथे के यहाँ पे हो जाएगा किसको, जो तेल है खाने योग्य उसको इम्पोर्ट किया जाता है। पांचवा है, पांचवे में कह रहा है कि भारत सॉरी केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, केरल तो किसके लिए जाना जाता है, जो गर्म मसाले हैं उसके लिए फेमस है। बहुत कहानी पहले से वास्को डी गामा की कहानियां हम सुनते चले आ रहे हैं, मालाबार तट से आते हुए उधर केरला वगैरह में क्या करता है, वहाँ से मसाले लेकर के जाता है, अपने जो है यूरोप कंट्री वगैरह में जाता है, वहाँ पे बेचता है। तो ये बहुत पुरानी कहानी है और सबको पता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गर्म मसालों के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है कि गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही क्रम, अवरोही क्रम, यानी सबसे आगे, तो सबसे आगे टॉप पे यूपी होगा, तो टॉप पे यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, तो ये हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 में कह रहा है कि इसको मैच कराइए, क्या क्या मैच कराना है, एक तरफ फसल लिखी हुई है और दूसरी तरफ क्या लिखा, पैदावार करने वाले राज्य, तो चाय कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा, तो चाय असम से हो जाएगा, यानी कि ए टू हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है ईख यानी गन्ना, तो गन्ना उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, तो इसका मतलब बी और 3 हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 8, पीली क्रांति, तो पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तिलहन से, तो क्या हो जाएगा, तिलहन से जो है पीली क्रांति, सूरजमुखी का के अगर और कुछ नहीं होता सबके सब, क्योंकि सूरजमुखी भी क्या है, तेल से, उससे तेल ही निकलता, लेकिन वो तिलहन में ही आ जाएगा, इसलिए उसको हम डी में लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहा है कि IR20 किस चीज़ की पैदावार के लिए जो है, इसको देख लीजिएगा, यानी कि किस्म है IR20, यानी कि कौन सी चीज़ है उसकी जो है किस्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो चावल है उसकी जो है ये एक प्रकार की किस्म है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम यानी कि ये जो है इधर वाला जो पोर्शन है, ये जो है ये पोर्शन जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, तो बोई की फसल को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अलेवन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है, तो काजू का मुख्य उत्पादक कौन सा हो जाएगा, केरला, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में कह रहा है प्रमुख वाणिज्यिक यानी कि जो नगदी फसलें हैं, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, जो कपास है, तिलहन है, जूट है, गन्ना है, ये सब क्या है वाणिज्यिक फसलें हैं, यानी जो है नगदी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 13, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल के प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, किसको, कपास, यानी वहाँ पे जो है महाराष्ट्र, क्योंकि दूसरे नंबर पे है, नंबर एक पर यूपी, दूसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, यानी कंपटीशन करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है, तो जो इसका कारण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो है ये लास्ट वाला ये बीच वाला है, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार, यानी सिंचाई गन्ने के लिए क्या है, पानी चाहिए, तो वहाँ पे क्या है सिंचाई की सुविधाएं जो है बढ़ गई हैं, जिससे यानी वहाँ की जो भूमि है
है वो गन्ने की पैदावार के लिए अनुकूल हो गई है, और कोई इसका बहुत बड़ा कारण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? मैंगो जो है राष्ट्रीय फल है। एक आधे क्वेश्चन इस तरीके से डाल दिए गए हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी, यानी यहाँ पे लिखा हुआ बागानी फसल लिखी हुई है, बागान बागानरू लिखी हुई है, यानी जो है बागानी फसल लिखी है, इसका मतलब बागानरू का मतलब है बागानी फसल। सबसे पहले कौन सी बागानी फसल की शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले यहाँ पे जो है नील, ओके, जो है नील की जो है सबसे पहले जो है मतलब नील की पैदावार बहुत पुरानी कहानी है, चंपारण से रिलेटेड है, वहाँ पे नील की खेती कराई जाती थी, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत के निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, अभी हमने कहा था अगर गुजरात, अगर आंध्र और गुजरात दोनों है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में आंवले का तो कहाँ पे हो जाएगा? प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि थोड़ा सा इसको ऊपर हो गया है ये, अब सही। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू का है या चावल का है या गन्ना का है, तंबाकू का है, किसका है? तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आलू का भी हो जाएगा और ये हो जाएगा गन्ना का भी हो जाएगा। चावल तो वेस्ट बंगाल में होता, 13 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, यानी भारत जो है किस चीज़ का उत्पादक भी करता है और उपभोक्ता भी करता है, तो क्या है? जो दलहन है उसको सबसे ज़्यादा खाता भी है और उसको उत्पादित भी करता है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा क्या है, 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और सेट नंबर 6 लास्ट सेट है उसका जो है, उसके क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला कह रहा है कि यहाँ पे फिल करना है, क्या फिल करना है और कि अवधि, यानी कौन से ईयर में, किसके बाद, किस साल के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेषता गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो वहीं जो है हरित क्रांति की कहानी याद आती है। तो हरित क्रांति की कहानी कब की याद आती है? 1966 के आसपास ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? तो कौन सी नगदी फसल है? बाजरा है, मक्का है, तंबाकू है, तो क्या हो जाएगा? जो तंबाकू वो नगदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 3, जायद की फसल, जो जायद जो होता है कब उगाई जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा तरबूज जो है जायद की फसल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? जो खरीफ की फसल है वो कपास जो है खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? जो चावल है वो खरीफ की फसल है, गेहूं जो है रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे ज़्यादा होती है? तो आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? पंजाब में होगी और यूपी में भी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? जो बागवानी से संबंधित कौन सा, जो स्वर्ण क्रांति है वो बागवानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जेनेटिक रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो किसको जो है, जो बीटी कॉटन है इसको जो है, यानी कि इसको जो है इस पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसे अनुशासित कर दिया गया है, इसके लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के लिए, तो कई बार हुआ, तो जो मध्य प्रदेश है वो क्या है, वो सोयाबीन खेती के लिए फेमस है, सर्वाधिक जो है उपयुक्त क्षेत्र है एमपी का। ये हम लोगों ने जो है कृषि से रिलेटेड या फसल से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को कर लिया, रेयर ही क्वेश्चन कोई होगा जो छूटा हुआ होगा, और स्पीड से भी किया है हम लोगों ने। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी में एक्सप्लेनेशन की कमी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और उसके साथ साथ वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।